समर्स में विंटर के अकॉर्डिंग बालों की ग्रोथ ज्यादा होती है एंड इसके साथ ही बाल हेल्दी एंड मॉइस्चराइज्ड भी रहते हैं। और विंटर में हमारे बालों की कंडीशन रफ एंड ड्राई हो जाती है एंड इसके अलावा स्कैल्प में ड्राइनेस, डैंड्रफ एंड फ्लैक्स जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। लेकिन अब आपको ये सब फेस नहीं करना पड़ेगा और ना ही इसके लिए आपको कोई अलग से DIY या प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत है। हम सब हफ्ते में 2 बार अपने हेयर को वॉश करते हैं। सिर्फ 2 बार वॉश करने के साथ ही आपकी ये सभी प्रॉब्लम अपने आप फिक्स होने वाली, बिकॉज हम अपने शैम्पू को कुछ इस तरीके से यूज करने वाले हैं कि आपकी हेयर और स्कैल्प से ये सभी प्रॉब्लम अपने आप दूर रहेंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोनाली सिंह और मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग हेयर केयर एंड स्किन केयर की वीडियो लेके आती रहती हूँ जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होती हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर यूज करते हैं और अपना रिजल्ट भी मेरे साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप भी इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अब तक मैंने आपके साथ बहुत सारी हेयर केयर की वीडियो शेयर की और जल्द ही मैं आपके लिए विंटर हेयर केयर की वीडियो भी लाने वाली हूँ, तो इसलिए चैनल पे बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी ट्रिक जिसको आप अपने शैम्पू के साथ फॉलो करके अपने हेयर को वॉश भी कर सकते हो और पूरा विंटर आप हेयर की सभी प्रॉब्लम्स लाइक डैंड्रफ, ड्राई फ्लैक्स, ड्राइनेस या हेयर डैमेज, इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। आपके बाल कुछ इस तरीके से शाइन करेंगे, हेल्दी रहेंगे, साथ में स्कैल्प भी क्लीन रहेगा क्योंकि क्लीन स्कैल्प ही हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर आपका स्कैल्प अनहेल्दी है, डैंड्रफ है, ड्राइनेस है, रूट्स क्लॉग हो चुकी हैं, तो हेयर ग्रोथ रुक जाती है, बालों का बढ़ना कम हो जाता है और एक्सट्रीम हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर फॉल भी ना हो, स्कैल्प भी हेल्दी रहे और हेयर ग्रोथ भी अच्छी सी होती रहे तो आप इस ट्रिक को अपने बालों पे जरूर ट्राई करके देखना। आपका टाइम भी बचेगा, साथ में आपको 100% बेनिफिट भी मिलेगा। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 मेन इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट हम ले रहे हैं राइस वाटर। आधा कप चावल को आपको पानी में अच्छे से वॉश करके डिप कर देना है। 3 से 4 घंटे ऐसे ही छोड़ने के बाद राइस वाटर तैयार हो जाएगा। अगर जो चावल का जितना भी न्यूट्रिशन था वो पानी के साथ मिक्स हो गया है। राइस वाटर बालों की ग्रोथ को तेजी से प्रमोट करता है। इसके साथ ही डल एंड डैमेज हेयर में शाइन ऐड करता है और बालों को हेल्दी भी बनाता है। दूसरा हमें लेना है लेमन। लेमन यहाँ पे डैंड्रफ को भी रिमूव करने के लिए हेल्पफुल है, साथ में हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। चावल का पानी जो था हमने वो सेपरेट कर लिया है एक ग्लास में और उसमें हमने नींबू को कट करते हुए नींबू का रस ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून हमें यहाँ पे लेमन जूस का यूज करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि नेचुरल मोनोक्सिडिल की तरह काम करता है। मेल एंड फीमेल दोनों की हेयर ग्रोथ के लिए काफी बेनिफिशियल है, साथ में हेयर फॉल को काफी हद तक रिड्यूस करता है। लेकिन हम इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी यूज करनी, सिर्फ 6 से 7 ड्रॉप्स ऑयल को ही इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद आप अपना कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हो जो भी आप अपने बालों के लिए यूज करते हो। ज्यादातर लोग अपने बालों पे शैम्पू को डायरेक्टली ही अप्लाई कर लेते हैं, स्कैल्प के साथ साथ हेयर को भी कवर करते हैं। यही रीजन है कि 80% लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, साथ में हेयर थिनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। शैम्पू के अंदर जो केमिकल होते हैं जो हमारे बालों या स्कैल्प के लिए झाग को बनाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे स्कैल्प की रूट्स पे डायरेक्टली अटैक करते हैं, जिससे रूट्स कमजोर हो जाते हैं और बाल जड़ से निकलने लगते हैं। तो इसलिए जब भी शैम्पू को यूज करते हैं शैम्पू को डाइल्यूट करके ही यूज करना। तो इस प्रोसेस के थ्रू आपके दोनों काम हो जाएंगे, ये DIY भी आपके स्कैल्प पे फॉलो हो जाएगी, साथ में आपका शैम्पू भी डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसमें आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग शैम्पू की क्वांटिटी को ऐड कर दोगे। जैसे मेरे हेयर थोड़े से लंबे हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं सिर्फ 2 टेबल स्पून शैम्पू का ही यूज करती हूँ। शैम्पू को ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद आप जब भी अपना हेयर वॉश करते हैं मिस आपको इससे ही अपना हेयर वॉश करना है। बालों को पहले हल्का सा वेट कर लीजिए और ज्यादातर कोशिश करें कि बालों को डाउन करके ही हेयर वॉश करना है। शावर और ज्यादा गर्म पानी को अवॉइड करना है। हल्का गुनगुना पानी या नॉर्मल ल्यूक वाटर आप यूज कर सकते हैं ठंडियों में और फिर इसे आपको अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है और फिंगर टिप्स का यूज करते हुए अच्छे से स्कैल्प को क्लीन भी करना है। जो भी झाग बनेगा उससे ही आपको अपने हेयर लेंथ को भी कवर कर लेना। बालों पे अलग से कभी भी शैम्पू का यूज ना करें, बिकॉज इससे क्यूटिकल लेयर डैमेज हो जाती है, बाल पतले हो जाते हैं, बीच में से टूटने, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है और बालों का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो भी गायब हो जाता है, जिससे बाल बहुत ही ड्राई हो जाते हैं। इस तरीके से स्कैल्प एंड हेयर को क्लीन करने के बाद देन हमें हेयर को अच्छे से रिंस कर लेना है। जो भी झाग है स्कैल्प में या बालों में उसे अच्छे से रिमूव कर देना है। एंड आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक DIY से ही आपके बाल यहाँ पे कितने स्मूथ एंड डिटेंगल हो चुके हैं। जो भी उलझे हुए बाल थे यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रहे हैं। तो अच्छे से बालों को रिंस कर लीजिए, उसके बाद टॉवल से हल्का हल्का वाइप करने के बाद
बालों को अच्छे से सुखा लीजिए और देन आप कॉम्ब कर सकते हैं। और जब आपके बाल ड्राई हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ड्राई एंड अनहेल्दी बाल थे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो चुके हैं, बालों में स्मूथनेस है, बालों में सॉफ्टनेस है, बालों में शाइन भी, और स्कैल्प बिल्कुल क्लीन हो चुका है, एकदम नई प्लेट की तरह आपका स्कैल्प चमकने लगेगा। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, अदरवाइज वो डैंड्रफ या ड्राइनेस आपके स्कैल्प में फिर से क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज ड्राई स्कैल्प एंड ड्राई स्किन की विंटर में जो बैंड बचती है ना, मीन्स इन्हें ज़्यादा केयर की जरूरत होती है, तो इसलिए आपको रेगुलर डीआईवाई को हर वीक यूज करना है ताकि आपके स्कैल्प में ये प्रॉब्लम क्रिएट ही ना और आपके बाल भी हेल्दी बने रहें। तो आई होप कि ये डीआईवाई आपके लिए बेनिफिशियल हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों और फैमिली में शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स टू वॉच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।